क्वेश्चन तो देखो ये अभी जो आपने क्वेश्चन किया उसी पर बेस्ड है। एग्जांपल 13 देखो है क्या आपका, कहता है मैन्युफैक्चरर है 600 लीटर ऑफ ए 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। फिर अगर मैं यहाँ पर टेबल बनाता हूँ, दिस इज द टेबल, क्या कहा जा रहा है, एक मैन्युफैक्चरर है 600 लीटर ऑफ ए 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। तो जो उसके पास सॉल्यूशन है उसमें 12% तो क्या है आपका एसिड है, तो बताओ वाटर कितना, 88%। 88% क्या होगा वाटर। तो ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है इसको हम ले लेते हैं सॉल्यूशन ए, और इसकी क्वांटिटी भी गिवन है कितनी है 600 लीटर। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर आपको कहा जा रहा हाउ मेनी लीटर ऑफ ए 30% एसिड सॉल्यूशन, इसमें क्या ऐड करो 30%। अब जो सॉल्यूशन बी है उसमें एसिड कितना है 30%, तो वाटर कितना होगा 70%। ये आपका क्या है सॉल्यूशन बी, ये आपका क्या है सॉल्यूशन बी। अब पहले तो मुझे ये बताओ, अगर मैं सॉल्यूशन बी को सॉल्यूशन ए में ऐड कर रहा हूँ, मैं सॉल्यूशन बी को सॉल्यूशन ए में क्या कर रहा हूँ ऐड कर रहा हूँ, इससे एसिड का जो परसेंटेज है बढ़ेगा या कम होगा। पहले इसमें 12% था, जो आप ऐड करो उसमें 30% है, बढ़ेगा ना, क्योंकि जो मैं ऐड कर रहा हूँ उसमें एसिड कंटेंट पहले वाले से ज़्यादा है, बढ़ेगा। अब वो जो परसेंटेज ऑफ एसिड होगा और रिजल्टिंग मिक्सचर के कितना होना चाहिए, 15% से ज्यादा होना चाहिए लेकिन 18% से कम। भैया बढ़ रहा है ना, 12% से बढ़ रहा है, तो बढ़ते बढ़ते कहां तक जाए, 15% से ज्यादा हो जाए लेकिन 18% से कम। यानी कि पहले तो 12% एसिड था, यही अब कितना होना चाहिए 15% से ज्यादा 18% से कम। कितना इसको हम ऐड करें कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, ये बात समझ में आ रही है। तो स्टार्टिंग कैसे करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेट क्या बोलोगे, लेट एक्स लीटर ऑफ, लेट एक्स लीटर ऑफ 30% एसिड, 30% एसिड कंटेंट सॉल्यूशन, एसिड कंटेंट सॉल्यूशन बी एडिड, बी एडिड। कोई डाउट है तो बताओ, एग्री करते हो इस चीज से, कितना ऐड किया x लीटर ऑफ 30% एसिड कंटेंट सॉल्यूशन भी एडेड, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब इसके बाद आप ये देखो कि रिजल्टिंग मिक्सचर क्या होगा, नाउ रिजल्टिंग मिक्सचर पहले कितना था 600, अब जो ऐड कर दिया वो कितना है x, तो 600 प्लस x लीटर होगा, होगा या नहीं होगा, ये क्लियर है यहां तक, ठीक है। परसेंटेज ऑफ टोटल परसेंटेज क्या होगा, टोटल परसेंटेज ऑफ एसिड कंटेंट विल बी इक्वल टू, यहां कितना होगा 12% ऑफ 600 होगा या नहीं होगा, इसमें सॉल्यूशन ए में तो इतना है, प्लस 30% ऑफ क्या एक्स होगा या नहीं होगा, एग्री करते हो भैया, 30% है कितना ऐड किया एक्स लीटर, तो 30 पूरे एक्स लीटर का 30%, ये पूरे 600 लीटर का 12%, यही है ना आपका। अब क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है उसको लेके आपकी जो कंडीशन बनती है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या आप एग्री कर दो, पहली इक्वेशन क्या होगी कि ये 12% 30/100 ऑफ एक्स, ये जो परसेंटेज ऑफ एसिड कंटेंट है ये रिजल्टिंग मिक्सचर के किससे ज्यादा होना चाहिए 15% से, देखो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ ना 15% से क्या होना चाहिए ज्यादा, तो कहने से दैट ये जो परसेंटेज ऑफ एसिड कंटेंट है इट शुड बी ग्रेटर देन 15% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर, रिजल्टिंग मिक्सचर कितना है मेरा 600 प्लस एक्स, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी क्या होगी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन क्या होगी ये भी बता दो भाई, दैट 12% ऑफ 600 प्लस 30% ऑफ x शुड बी लेस देन व्हाट 18% ऑफ 600 प्लस x, यही है ना 15 और 18, क्लियर है यहां तक, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्वेश्चन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन क्या 12/100 इंटू 600
प्लस 30/100 इंटू एक्स ग्रेटर देन क्या 15/100 विद इन ब्रैकेट 600 प्लस एक्स। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो 15/100 है इंटू 600 मुझे दिखाई दे रहा है, पहले मैं यहां से एलसीएम दूंगा तो 100 आएगा, तो मैं इसको क्या ऐसे लिखूं 12 6 72 100 प्लस 30x। अगर मैं 100 एलसीएम लेता हूं, चलो मैं लेके दिखा देता हूं, ये हो गया ऐसे, और ये क्या हो जाएगा 15 × 600 प्लस 15x डिवाइडेड बाय 100। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, कहानी क्लियर है, ठीक है। अब 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ पे सीधा लिख दूँ मैं 9000 15 6 क्या हो जाएगा आपका 9000, ये हो गया आपका 9000। चलो जी अब आ जाओ 30x माइनस 15x कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 30x माइनस 15x ग्रेटर देन क्या होगा 9000 माइनस ये क्या हो जाएगा 7200 होगा या नहीं होगा, क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। आगे देखो 30x माइनस 15x कितना हो जाएगा 15x, और ये कितना हो जाएगा 1800 होगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे x विल बी ग्रेटर देन 1800 बाय 15, x विल बी ग्रेटर देन 1800 बाय 15, तो 15 1 जा 15 15 2 जा 30। तो पहली सिचुएशन तो समझ में आ रही कि x 120 लीटर से ज्यादा होना चाहिए, दैट इज x शुड बी ग्रेटर देन 120। चलो एक इक्वेशन तो होगी सॉल्व, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, बस ये आ गया एक फर्स्ट इक्वेशन से तो ये कंडीशन आ गई कि x इज ग्रेटर देन 120। अब बात आती है सेकंड इक्वेशन, अब इसमें आप देखो ये क्या हो जाएगा 12 6 जा फ्रॉम इक्वेशन टू 12 6 जा 7200 बाय 100, या मैं सीधा लिख दूं एलसीएम के साथ 7200 प्लस ये क्या हो जाएगा 30x डिवाइडेड बाय 100 लेस देन 18 × 6 18 6 जा 108, तो कितना हो जाएगा 10800 होगा, प्लस क्या हो जाएगा 18x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100। कहानी क्लियर है, ठीक है। अब देखो 100 से तो 100 माइनस, तो 30x माइनस 18x, 13x माइनस 18x लेस देन क्या हो जाएगा 10800 माइनस 7200, 10800 माइनस 7200, अब ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 12x लेस देन 00 से 00, ये आ जाएगा 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6, 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा 3, x 12 3 जा 36, तो कंक्लूजन समझ में आया। आप कह रहे हो x जो है 300 लीटर से तो कम होना चाहिए, लेकिन 120 लीटर से क्या होना चाहिए ज़्यादा, तो इसका मतलब जो आपने एसिड कंटेंट ऐड किया था कौन सा वाला था 30% वाला, दैट इज 30% एसिड कंटेंट सॉल्यूशन in quantity to be added more than 120 liter but less than 300 liter। इस तरह से आप आंसर, कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है क्वेश्चन। दिस फॉर टुडेस क्लास, आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।